मतगणना से पहले सियासत गर्म है। डिप्टी सीएम ने जो आरोप लगाए थे, अब अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया है। सुनते हैं उनको। ये समय नहीं है, वो ये भी कह सकते हैं कि विजय बहादुर पाल जी के घर क्यों गया, सदन जरूरी था। ऐसे लोगों के बारे में कुछ सोचना ठीक नहीं है। कम वोटिंग का पूछ लेना, अभी तो मत पूछिए। केवल इतना ही कारण समझ लीजिए, अगर लोकतंत्र पुलिस से चलाओगे आप और विपक्षी पार्टी को आप डराओगे धमकाओगे, तो ये तो आप रामपुर ने मैं देखा, मैनपुरी में तो कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत थे, रामपुर में भी लड़े। लेकिन आप जितनी पुलिस की ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा पुलिस, इसलिए जनता को सामने आना पड़ेगा। अगर जनता जब तक नहीं खड़ी होगी, और मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जो आएगा वो समाजवादियों के पक्ष में रिजल्ट आएगा। तो सुना आपने अखिलेश यादव को, मनीष जी आपके पास ही आ रहे हैं, लोकतंत्र पुलिस से चल रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं, सीधा आरोप है। देखिए, आज तक मैंने ये तो सुना था कि नेता आरोप लगा रहे हो कि पुलिस की संख्या बहुत कम कर दी गई, यानी अगर सुरक्षा ज़्यादा की गई तब समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर हवाइया उड़ना स्पष्ट होता है कि जब जब पारदर्शी तरीके से चुनाव होगा, निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा, कितना आपने पारदर्शी तो समाजवादी पार्टी को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये तो चाहते थे कि ये चाहते थे कि जैसे कन्नौज में गुंडागर्दी से निर्विरोध डिंपल यादव को जिता ले गए थे, उसी तरीके से मैनपुरी हो जाए। लेकिन मैनपुरी में जनता ने वोट नहीं दिया इनको। अखिलेश जी का जो चेहरा है वो चेहरा बता रहा है कि वो हार चुके हैं। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा था, वो स्पष्ट उससे हो रहा था कि मैनपुरी की जनता ने उनको नकार दिया। मनोज काका तो आप चिल्ला सकते हो, चिल्ला के आप डिबेट को डिरेल कर सकते हो, लेकिन डिरेल चैनल पे करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। पहले जो हुआ है, जो पंचायत के चुनाव में किसने नहीं देखा कि माताओं बहनों का चीर हरण किया गया, क्या आपने नहीं देखा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में हुआ, क्या नहीं देखा आपने? क्या 31% मतदान होता है रामपुर में? बताया तो सवाल का जवाब दे दीजिए, 31% मतदान होता है? ठीक है, आरोप प्रत्यारोप की जगह है, जनता ने फैसला सुना दिया है और 8 तारीख को तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन सियासत बेहद गर्म है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ईवीएम पर सपा का पहरा है, प्रशासन पर शक गहरा है, 8 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।